ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक एडमिट कार्ड 2019 के बारे में, यानी कि आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए, इसके पहले मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट जानकारी बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट 900 है, पोस्ट नेम फॉरेस्ट गार्ड जिसको वन रक्षक भी बोलते हैं, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट mahaforest.nic.in है। इसके अलावा एक वेबसाइट इसकी और है जो कि है mahaparikshat.gov.in, जहां से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 14 जनवरी 2019 है, लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 3 फरवरी 2019 है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अंदर होगी। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, साथ ही मैं आपको महाराष्ट्र फिशर्स डिपार्टमेंट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड भी अनाउंस हो चुका है। उसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट mahaparikshat.gov.in पर पहुंच जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर आओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये mahaparikshat.gov.in इसके मतलब महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है, यानी कि अगर कोई भर्ती आती है उसकी जानकारी भी यहीं पर होती है। तो आप यहां पर सूचना के ऊपर देखोगे रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट सर्वाइवर, ये इसका एक नया एग्जाम है। और इसके नीचे आप यहां पर जानकारी, सबसे ऊपर जानकारी अभी आप देख पा रहे होगे, हॉल टिकट फॉर फिशर्स डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र एग्जामिनेशन 2019, यानी कि फिशर्स डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2019 का हॉल टिकट अनाउंस हो चुका है। और दोस्तों, आप इस साइट में देख पाओगे एडवर्टाइजमेंट फॉर महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2019, यानी कि इसके बारे में जो आपका एडमिट कार्ड अनाउंस होगा वो यहीं पर होगा। आपको बस करना क्या है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने एक दो बॉक्स का एक पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी है और आपको अपना पासवर्ड भरना है। चलिए, मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे वो परीक्षा केंद्र ये होंगे आपके, यानी कि जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे। इन्हीं सभी जगहों पर आपके परीक्षा केंद्र लगने वाले हैं। इसकी जानकारी भी अभी आप यहीं से देख पा सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी महाराष्ट्र यानी कि महापरीक्षा गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको फिशर्स डिपार्टमेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहां से साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर अपना यूजर नेम भरना है, यहां पर पासवर्ड भरना है जो आपने जब अपना फॉर्म भरा था, जो अब वो लॉगिन आईडी और वही पासवर्ड आपको यहां पर भरना है, क्योंकि जब आपने इसके अंदर रजिस्टर किया होगा तो उसके बाद में आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा। तो आपको वही जानकारी यहाँ पर यूजर नेम में और पासवर्ड में भर देनी है। और आपको यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड अगर आपको है तो यहाँ पर टिक मार्क कर करके आपको साइन इन कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप साइन इन करोगे आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, और आपका वो अपना एडमिट कार्ड बहुत ही सिंपल वे में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, पहले तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो जो कि यहाँ पर दी गई है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ।